हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है एसटीपी, एनटीपी और एसएटीपी। आज के इस वीडियो के द्वारा मैं इस टॉपिक से संबंधित आपके सारे कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करने वाला हूं। वीडियो आप लास्ट तक देखें ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए, और यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब बिना समय गंवाए आज की इस मज़ेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में पहले हम एसटीपी और एनटीपी की चर्चा करेंगे और बाद में हम डिस्कस करेंगे एसएटीपी को। तो सबसे पहले हम एसटीपी का फुल फॉर्म देखेंगे। तो एसटीपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं मानक ताप दाब, और हिंदी में इस प्रकार से शॉर्ट में लिखते हैं, और इंग्लिश का शॉर्ट फॉर्म तो आपको पता ही है, एसटीपी लिखेंगे। अब हम बात करते हैं कि एनटीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो एनटीपी का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इसको हिंदी में कहते हैं सामान्य ताप दाब, और हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से लिखते हैं, और इंग्लिश का शॉर्ट फॉर्म एनटीपी होता है। और ये दोनों ही बिल्कुल सेम हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता। अब क्वेश्चन ये है कि एसटीपी या एनटीपी ये है क्या। तो एसटीपी या एनटीपी ताप और दाब की एक विशिष्ट परिस्थिति के लिए उपयोग किए गए नाम है। तो हम कह सकते हैं कि ताप और दाब की एक विशिष्ट परिस्थिति जिस पर अधिकांश प्रायोगिक अध्ययन किए जाते हैं, उसको वैज्ञानिक लोगों ने नाम दिया है एसटीपी या फिर एनटीपी। अब क्वेश्चन ये है कि ताप और दाब की ये विशिष्ट परिस्थिति है क्या। तो एसटीपी या एनटीपी का अर्थ है ऐसी परिस्थिति जहाँ पर तापमान को आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.15 केल्विन रखना है, और दाब को यहाँ पे रखना है 1 ATM या फिर 760 mmHg। तो ताप और दाब की इस विशिष्ट परिस्थिति या इस विशिष्ट मान को ही एसटीपी या फिर एनटीपी कहते हैं। कई बुक में एसटीपी का तापदाब अलग दिया रहता है, एनटीपी का तापदाब अलग दिया रहता है, तो आपको उसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअल में अनेक संस्थाओं और अनेक विद्वानों ने एनटीपी और एसटीपी को अपने अपने अनुसार परिभाषित किया है, लेकिन आईयूपीएसी ने जिस बात को एक्सेप्ट किया है उस बात को आपको ध्यान रखना है कि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड और दाब जो होगा 1 ATM होगा, और बाकी जो है वो समय समय पर रिजेक्ट हो गया है, लेकिन कुछ बुक में अभी भी दिया है, तो उसको लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक पॉइंट और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि यदि कोई गैस लें और उस गैस का 1 मोल लें और वहाँ पर ताप को हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड और ताप 1 ATM रखें, यानी कि किसी गैस के 1 मोल को हम एसटीपी या एनटीपी पर रखें, तो उसका आयतन जो होता है 22.4 लीटर होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है वीएम, वीएम मीन्स होता है मोलर आयतन या मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का अर्थ है कि किसी गैस के 1 मोल का आयतन। एसटीपी या एनटीपी पर कितना होता है, तो 22.4 लीटर पर मोल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक्चुअल में जो आप मान देख रहे हैं एसटीपी या एनटीपी का, ये फिर करेक्शन किया गया है इसमें, तो जो एकदम लेटेस्ट वैल्यू है वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यदि हम लोग मानक तापदाब और सामान्य तापदाब के सही मान को देखें या फिर आधुनिक मान को देखें, तो यहाँ पर तापमान का मान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.15 केल्विन रखना है, और जो दाब होता है पुराने ज़माने में उसको 1 ATM कहते थे, अब उसको 1 bar कहते हैं। तो IUPAC ने जो नया संशोधन किया है इसमें इसने दाब को बदल दिया है, और दाब के परिवर्तन के साथ आयतन में भी थोड़ा परिवर्तन हो गया है। तो जो मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस है ये 22.4 से 22.7 लीटर पर मोल हो गया है। तो ये सबसे आधुनिक जो एक्सेप्टेड डेफिनेशन है ये है, और ये आपको याद रखना है। और आप जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में या कहीं भी एसटीपी और एनटीपी देखें तो आप इन्हीं मानों को लेकर चलेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एक लॉजिक से इसको बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो जो पुराना डाटा है वहाँ पर ताप, और जो नया डाटा है वहाँ पर तापमान बिल्कुल समान है, यानी तापमान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यदि हम देखें तो दाब में परिवर्तन किया गया है, 1 ATM से 1 bar किया गया है।
आप जानते हैं कि एक एटीएम बराबर होता है 1.01325 बार, यानी कि जो एक बार है वो एक एटीएम से थोड़ा सा छोटा होता है। तो जैसे ही एक एटीएम को हमने कन्वर्ट कर दिया, एक बार कर दिया, तो गैस पर दाब का मान कम हो गया। और आप जानते हैं गैस पे जब दाब कम होगा तो गैस का आयतन बढ़ जाता है, तो इसलिए जो गैस का मोलर वॉल्यूम था वो 22.4 से बढ़ के 22.7 हो गया है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे। आप क्या ध्यान रखेंगे कि पहले एक एटीएम दाब था, एक बार किया गया, इस दाब में थोड़ी सी कमी की गई और इस थोड़े से कमी से गैस का आयतन थोड़ा बढ़ गया और 22.4 से बढ़कर 22.7 लीटर पर मोल हो गया। उम्मीद है कि एसटीपी और एनटीपी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। तो अब हम बात करेंगे एसएटीपी को लेकर। तो एसएटीपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं मानक परिवेश ताप एवं दाब, और हिंदी में शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखते हैं और इंग्लिश का शॉर्ट फॉर्म एसएटीपी होता है। अब बात करते हैं कि एसएटीपी है क्या। तो कुछ वैज्ञानिक इस समय नए ताप और दाब की परिस्थिति का उपयोग कर रहे हैं, जिसके लिए नाम दिया गया है एसएटीपी। अब यहाँ पे नया ताप दाब क्या है, तो जो तापमान एसटीपी पर था वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। अगर एसएटीपी पर तापमान की बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर तापमान होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 298.15 केल्विन, और जो दाब होता है इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, दाब यहाँ पर भी एक बार होगा। अब देखो यहाँ पर तापमान बढ़ाया गया है, तो आप जानते हैं कि तापमान जब बढ़ाया जाता है तो गैसों के आयतन बढ़ जाते हैं, तो इसलिए जो एक मोल गैस का आयतन एसएटीपी पर होगा वो थोड़ा बढ़ जाएगा और ये होता है 24.8 लीटर पर मोल। तो आपको ये मान भी याद रखना है, इस मान का भी यूज कर सकते हैं हम लोग। तो एसएटीपी पर तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दाब एक बार और गैस का मोलर वॉल्यूम जो होता है 24.8 लीटर पर मोल होता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको एनटीपी, एसटीपी और एसएटीपी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखें। Thank you.